हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों, राजस्थान के संत संप्रदायों में आज हम पढ़ेंगे संत जाम्बो जी के बारे में। संत जाम्बो जी या जम्बेश्वर जी जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है और जिनका मूल नाम मित्रों धनराज था। मित्रों, जाम्बो जी का जन्म जो है वो 1451 ईस्वी में और विक्रम संवत के हिसाब से मित्रों 1508 ईस्वी में पीपा सर नागौर में हुआ था। मित्रों, जाम्बा जी का जन्म जो है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन पवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। मित्रों, इनकी माता का नाम हंसा और इनके पिता का नाम लोहक था। जाम्बो जी मित्रों बचपन से ही मननशील थे। मननशील यानी कि किसी भी बात पर मनन करना उनका एक स्वभाव था तथा कम बोलने की आदत के कारण ही उन्हें लोग गूंगा गहला भी कहते थे। मित्रों, प्रकृति प्रेमी होने के कारण जाम्बो जी को विश्व पर्यावरण आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। मित्रों, जाम्बो जी को प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक का खिताब प्राप्त है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पर्यावरण की तरफ लोगों का रुझान आकर्षित किया। मित्रों, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म होने के कारण इन्हें कृष्ण का अवतार तथा बिश्नोई संप्रदाय के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार। मित्रों, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। जाम्बो जी ने विष्णु के निर्गुण निराकार यानी कि निर्गुण भक्ति के संत थे और इन्होंने विष्णु की निर्गुण भक्ति उपासना पर बल दिया। जाम्बो जी मित्रों, अब बात करते हैं कि जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की। तो मित्रों, जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में बीकानेर में संबराथल नामक स्थान पर कार्तिक कृष्ण अष्टमी को की। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, और ये मित्रों एक कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बीकानेर का जो समराथल स्थान है वहाँ पर एक धोक दोरे पर बैठकर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। मित्रों, इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम बताए यानी कि इन बिश्नोइयों के 29 नियम होते हैं और इन नियमों को पालन करने वाले व्यक्ति को ही बिश्नोई कहा जाता है। 20 नोई यानी कि 20+9 इन 20+9 नियमों को मानने वाले व्यक्ति को बिश्नोई कहा जाता है। मित्रों, जाम्बो जी ने जो अपने उपदेश दिए वो जो उपदेश थे इनके मरु भाषा में थे यानी कि स्थानीय भाषा स्थानीय लोगों की जो भाषा थी जो उनको समझ आती थी उसी भाषा में ही जाम्बो जी ने अपने उपदेश दिए। मित्रों, इनके जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जाने तो इनका ग्रंथ जम्ब संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश। इसके अलावा मित्रों इनकी 120 शब्द वाणिया ये भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, ये जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी हैं इन्होंने ये महान ग्रंथों की भी रचना की जो आज भी बिश्नोई संप्रदाय के पथ प्रदर्शक है। जाम्बो जी का मित्रों मूल मंत्र क्या था? इन्होंने जो लोग थे इनको मानने वाले जो इनके अनुयायी थे उन लोगों को एक मूल मंत्र दिया भगवान की प्राप्ति का कि हृदय से विष्णु नाम जपो और हाथ से कार्य करो। कहने का मतलब कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो अगर उस वक्त अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो निश्चित रूप से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। मित्रों, वृक्ष बचाओ आंदोलन से बिश्नोई संप्रदाय का शुरू से ही संबंध रहा है। 1604 ईस्वी की हम बात करें तो वृक्ष बचाओ आंदोलन में कर्मा और गोरा नामक दो महिलाओं की भागीदारी थी 1604 ईस्वी के वृक्ष बचाओ आंदोलन में और ये जो दोनों महिलाएं थी मित्रों बिश्नोई संप्रदाय की थी। मित्रों, इसके साथ साथ अगर हम खेजड़ली कांड को याद करें तो खेजड़ली गांव जोधपुर में ये जो कांड हुआ था वृक्ष बचाओ आंदोलन के तहत, इसमें मित्रों इस
इस संप्रदाय से संबंधित है यह आंदोलन भी जो 1730 में हुआ खेजड़ली गांव में, और इसमें भी अमृता देवी, जो अमृता देवी थी वो विश्नोई संप्रदाय की थी, इनकी दो पुत्रियां और इनके पति जिनका नाम था रामू सहित दक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया था, जिनमें 59 यानी कि 69 जो थी स्त्रियां थी और 294 पुरुष थे, और इनका आत्म बलिदान जो है वो वृक्षों को बचाने के लिए था। तो मित्रों, शुरू से ही ये जो बिश्नोई संप्रदाय है वे वृक्ष बचाओ आंदोलन से संबंधित रहा है, वो जाम्बो जी की नियमों और शिक्षाओं को मानते हुए प्रकृति प्रेमी रहा है। मित्रों, जाम्बो जी जहाँ पर उपदेश देते थे मित्रों, उस स्थल को सात्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सात्री कहा जाता था। और जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी को शब्द वाणी और जम्ब वाणी या गुरु वाणी कहा जाता था। जाम्बो जी द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे उनको जम्ब वाणी, गुरु वाणी या शब्द वाणी कहा जाता था। जिस स्थान पर जाम्बो जी उपदेश देते थे उसे सात्री कहा जाता था। मित्रों, गुरु जाम्बो जी के प्रति आस्था होने के कारण बीकानेर के जो राजा थे, बीकानेर के राजाओं ने इनका जो राजकीय झंडा था राजाओं का, उस झंडे में खेजड़ी वृक्ष को, आज राजस्थान का मुख्य जो वृक्ष है खेजड़ी, आज जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, खेजड़ी को उस टाइम में बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी ने महत्वपूर्ण बना दिया था लोगों के लिए। मित्रों, उस टाइम में ही, पुराने टाइम में ही, और इन्होंने जो राजा थे, बीकानेर के राजा थे, इन्होंने जाम्बो जी से प्रभावित होकर अपने राजकीय झंडे में खेजड़ी को राजकीय चिन्ह के रूप में अंकित करवाया। मित्रों, ये जो राजकीय चिन्ह के रूप में खेजड़ी को अंकित करवाया, इसे माटो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माटो कहा जाता था। यानी कि पुराने टाइम से ही खेजड़ी हमारा राजकीय चिन्ह रहा। जाम्बो जी द्वारा मित्रों अभिमंत्रित मंत्र जिसको पाहल कहा जाता है, ये पाहल द्वारा ही जाम्बो जी पाहल पिलाकर ही अज्ञानवर्ती संप्रदाय को बिश्नोई पंथ में दीक्षित करते थे। मित्रों, पाहल में इस संसार को नाशवान बताया गया है, मिथ्या और नाशवान बताया गया है, और इस संसार को गोवलवास कहा गया है। गोवलवास यानी कि अस्थाई वास कहा गया है, यानी कि ये जो मनुष्य का स्थाई निवास नहीं है, ये संसार जो है इस संसार से उसे कभी न कभी तो जाना ही है। मित्रों, जाम्बो जी के धार्मिक स्थलों के बारे में जाने तो इनके प्रमुख धार्मिक स्थल हैं पीपासर नागौर। मित्रों, जहाँ पर इनका जन्म होता है और उनका जो प्राचीन घर है यहाँ पर बना हुआ था, उसे अब मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उनमें खड़ाऊ रखे गए, तो ये एक प्रमुख स्थल के रूप में है जाम्बो जी के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में। मित्रों, मुक्ति धाम मुकाम जो है मित्रों, ये बीकानेर जिले में है और बीकानेर जिले की नोखा तहसील में स्थित है, और यहाँ पर 1526 ईस्वी में मुख्य मंदिर में इन्होंने, जाम्बो जी ने समाधि ली थी, और यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन व अश्विनी माह को मित्रों मेले अमावस को मेला लगता है, यानी कि लोग इकट्ठे होते हैं। फाल्गुन व असोज महीना भी आप कह सकते हैं, और अमावस के दिन इनका मेला लगता है। मित्रों, रामड़ावास पिपाड़, ये जो स्थान है मित्रों ये जोधपुर में है, रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में, और यहाँ पर लोहावट में इन्होंने उपदेश दिए थे। रामड़ावास व लोहावट, ये दोनों ही जो जगह है वो जोधपुर जिले में है और जोधपुर जिले के बिल्कुल पास है। मित्रों, इन दोनों स्थानों को प्रमुख तीर्थ स्थल इसलिए बताया जाता है जाम्बो जी का, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर जाम्बो जी ने अपने उपदेश दिए थे। मित्रों, जाम्बा एक गांव है फलोदी तहसील का, और यहां पर जम्बेश्वर जी के कहने पर जैसलमेर के राजा ने जैत सिंह ने एक तालाब का निर्माण करवाया, जो आज भी बिश्नोई संप्रदाय के लिए पुष्कर जो झील है राजस्थान की, पुष्कर झील के समान पवन तीर्थ माना जाता है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस
चैत्र अमावस्या व भाद्रपद पूर्णिमा को मेला लगता है मित्रों, इसीलिए इस स्थान को भी जाम्बो जी का पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। किसको? जाम्बा को। ये जाम्बा मित्रों पलोदी तहसील का एक गांव है जोधपुर जिले में। इसके बाद जानते हैं मित्रों रोटू। ये रोटू जो गांव है मित्रों ये नागौर जिले में है और इस संप्रदाय का बिश्नोई संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। अब जानते हैं जांगलू। जांगलू मित्रों ये बीकानेर जिले में है और बीकानेर जिले की नोखा तहसील में गांव स्थित है और यहां पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या व भाद्रपद अमावस्या को जाम्बो जी का मेला लगता है। इसी कारण ये जो पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। लोधीपुरा मित्रों ये यूपी में एक स्थान है। ये मुरादाबाद जिला है यूपी का, वहां पर ये स्थान स्थित है। कौन सा? लोधीपुरा मित्रों। लोधीपुरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक बार जाम्बो जी जो है वो भ्रमण के लिए गए थे इसलिए, और इन्होंने यहाँ पर उपदेश दिए थे इसलिए लोधीपुरा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कथा जैसलमेर की रचना मित्रों। ये एक ग्रंथ है कथा जैसलमेर। और इस कथा जैसलमेर की जो रचना है वो संत कवि विल्लो जी ने की थी मित्रों। किसने की थी? संत कवि विल्लो जी। जो मतलब इसमें क्या, जो राजा हुए जाम्बो जी के टाइम में जो 6 राजा हुए और इनकी शरण में आए मित्रों, उनके बारे में इसमें स्टोरी है। जैसे बताया गया कि जाम्बो जी के टाइम में जो दिल्ली का बादशाह था वो था मित्रों सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो था सिकंदर लोधी और इसने जाम्बो जी के प्रभाव में आकर मित्रों गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ से मित्रों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था जिसने जाम्बो जी के प्रभाव में आकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था मित्रों सिकंदर लोधी। नागौर का एक मित्रों नवाब मोहम्मद खान नागौरी जो था, ये नागौर का शासक था जिसका नाम था नवाब मोहम्मद गौरी, मोहम्मद खान गौरी। इसके अलावा मित्रों मेड़ता का राव दूदा। इसके साथ साथ जैसलमेर का जैत सिंह और जोधपुर के राठौड़ सातल देव और मेवाड़ के महाराणा सांगा, ये भी मित्रों जाम्बो जी की शरण में आए और उनके उनसे बहुत प्रभावित हुए। मित्रों जाम्बो जी द्वारा बोले गए जो प्रथम शब्द है वो कौन से हैं? तो इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया या प्रथम जो शब्द बोले गए वो कौन से थे? तो वो थे मित्रों गुरु चिन्ह पुरोहित गुरु मुख धर्म बखानी। तो ये जो प्रथम वार इनके शब्द निकले इनके मुख से ये उपदेश निकले। और बिश्नोई संप्रदाय की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि ये लोग भेड़ पालना पसंद नहीं करते मित्रों। भेड़ जो है वो इस संप्रदाय में भेड़ नहीं पाली जाती, भेड़ पालना ये पसंद नहीं करते क्योंकि भेड़ जो है वो नव अंकुरित पौधों को खा जाती है। और ये जो संप्रदाय है मित्रों प्रकृति प्रेमी है और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं, इसलिए मित्रों इस संप्रदाय में भेड़ का पालन नहीं किया जाता। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो।